हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट दार्जिलिंग चैनल। तो आज आप लोगों को काइन मास्टर में वीडियो कैसे एडिट करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को और चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर का ज़रूरत रहेंगे, तो इसलिए आप लोग काइन मास्टर डाउनलोड कर दीजिएगा, प्ले स्टोर से मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे काइन मास्टर डाउनलोड हो रहा है तो मैं इसको सबसे पहले प्लस आइकन पर दबाऊंगा और 6.9 रेशियो को हम ओपन करेंगे। तो देखिए बहुत ईजी है, तो आप लोग किसी भी वीडियो एडिट अच्छे से बना सकते हैं। तो मीडिया फाइल में जा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए मुझे एक इमेज की ज़रूरत पड़ेंगे। तो मैं वीडियो भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको इमेज लेके दिखाऊंगा। तो मैं एक इमेज दिखाऊंगा आपको, तो ये इमेज लेके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये इमेज ले रहे हैं मैंने, इसको थोड़ा बड़ा, अब देखिए यहाँ पर इस तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन अब इसी को मैं किस तरह से एडिट करके बनाऊँगा ये आपको दिखाऊँगा मैं। तो ये होने के बाद देखिए अब इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अलग से इसको लुक्स दूंगा मैं। तो लेयर में जाइएगा, लेयर में जाने के बाद आप मीडिया ब्राउजर में जाइएगा। आपको ग्रीन स्क्रीन की आवश्यकता होंगे, तो अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हैं तो हमें बताइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि हम आपको दे देंगे। तो ये होने के बाद मैं सबसे पहले तो एक वीडियो अपलोड करूँगा, ये देखिएगा। अब देखिएगा किस तरह से रहेंगे। मैं आपको ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है, मैं एक्स्ट्रा पार्ट को अभी इसको कट कर दूंगा, तो ट्रिम कर दूंगा, तो इसको आगे ले लेंगे। तो अब देखिए इसको पहले आपको एडजस्ट करना है, पूरे एडजस्ट यहाँ तक लेना है जहाँ तक आप करना चाहेंगे। तो उसके बाद आपको क्रोम की में जाना है, क्रोम की में के इसको इनेबल कर दीजिए। जैसे इनेबल यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से इसको क्लियर कर सकते हैं, कितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चलो इतना रख दे रहा हूँ मैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ है आपको, चलिए इतना रख दे रहा हूँ मैं। तो अब देखिए ये जो मेरा बैक पोर्शन है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, देखिएगा इतना तक रखने के प्रयास करूँगा मैं। आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर देखिए। तो अभी मैं इसको ओके कर दिया हूँ, तो यहाँ से अप्ले करके देखता हूँ। अब देखिए पहले ये कैसा था अभी, और इसमें और चीज़ आप लगा सकते हैं, और चीज़ एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं छोटा ही बना के दिखाऊंगा आपको, तो इसको यहाँ तक कट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए इसको अभी कट, सॉरी इसको यहाँ पर अभी कट करके दिखा दे रहा हूँ मैं। तो अब बराबर हो गए, तो ये होने के बाद देखिए और एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, और इसको मैं काट दूंगा ताकि वो ना दिखे। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब फिर मैं लेयर में जाना है आपको, तो लेयर में जाने के बाद मीडिया में क्लिक करना है। तो मीडिया में क्लिक करने के बाद और मेरे पास और ग्रीन स्क्रीन से लिए गए हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ये लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए ये पोर्शन जो है, इसको मैं अपने हिसाब से रखूँगा, आपको जहाँ तक रखना है वहाँ तक रख सकते हैं, मैं यहाँ तक रखूँगा। और इसको क्या करना है आपको, देखिए क्रोम क्रोम में जाना है, तो इसको इनेबल करना है। तो देखिए जैसे इनेबल किया, आप इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं ये। तो मैं क्लिक, अब यहाँ प्ले करके दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। अब ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से पानी आ रहा है। तो और इसमें और जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हैं। तो ये मीडिया में, और मैं आपको और एक चीज़ बता दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक मैं पेड़ का ग्रीन स्क्रीन ले लूँगा, पेड़ का ग्रीन स्क्रीन ले लूँगा ये। यहाँ पर देखिएगा इसको मैं ग्रीन स्किन को ले रहा हूँ, तो हम ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे इसको,
बस इतना ही ले लेंगे। तो क्रोमा की में जाएंगे तो इसको करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो आप ये देखिएगा, एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा हम लेयर से नहीं ले सकता, तो इसको हम कट कर देंगे। जो लेयर से अभी लिया था कट कर देंगे। तो अभी इसको देखिएगा, जो बचे हैं इसको इसको आप पहले सेव करेंगे, पहले इसको यहाँ से आप सेव करेंगे। जैसे हम सेव किए, ये देखिएगा ये जो अभी हमने बनाए हैं, तो इसको शेयर में शेयर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो देखिए थोड़ी समय लगेंगे आपको। तो ये सेव होने के बाद फिर हम इसमें और लेयर डाल के और अच्छा सा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा वेट करिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा करना है क्या करना है। तो अभी देखिएगा, तो यहाँ हमारे हो चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। तो फिर हम इसको बैक करेंगे और बैक करेंगे, तो यहाँ प्लस के आइकन पे लगाएंगे तो 16.9। अब जो हमने लेयर बनाए थे उसको मीडिया से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मीडिया से हम ले लेंगे एक्सपोर्ट। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट आ चुके हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमने अभी बनाया था वो आ चुकी है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो बस सॉरी, अभी थोड़ा बैक आ गया। तो अभी देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे और कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये ओपन हो चुके हैं हमारा। तो आप फिर लेयर पे जाएंगे। हम लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जैसे जाएंगे, आप देखिए यहाँ से फिर हाँ एक ये ले सकते हैं। अब देखिए जैसे पहले आ रहा था, अभी इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो हम क्रोम की में दबाएंगे, तो इसको इनेबल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसको आप जैसा चाहे वो क्लियर रख सकते हैं। मैं इतना तक रखूँगा और क्लियर कर दूँगा। तो और एक चीज़ मैं डालूँगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ से हम चलिए एक टाइगर का ले रहे हैं हम। तो टाइगर का लेने के बाद इसको भी क्रोमा की में जाके हम इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइगर आ चुके हैं हमारा। तो आप इसको थोड़ा हटा सकते हैं, तो अब ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो क्लिक, अब यहाँ प्ले करके देखते हैं। यहाँ देखिएगा, हमारा जो पहले था उससे बेहतर बन गया। देखिए पेड़ है, टाइगर बना दिया हमने। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से और अच्छे अच्छे आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अगर किसी भी आपको इस एडिट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी असुविधाएँ हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।